क्योंकि यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थोड़ी सी खड़ा रहने के लिए, जो सर्व करेगा उसके लिए थोड़ी यूनिट वही बना। अभी कल तुम्हारे ग्रुप में ये कुछ रेफरेंस आए रहे, राइट? ये मैंने भेजा। ओके ये रेफरेंस आए रहेंगे बराबर। अभी मैं क्या सोच रहा था, मानो मैं ये मुझे शेप अच्छा लगा, ये एक नेक्स्ट ये वाला एक शेप अच्छा लगा, देन ये वाला भी अच्छा लगा, ये एक मैंने मटेरियल के भेजा था कि मैं सीलिंग में ऐसा कुछ बनाऊं या फिर मिरर यूज करूं, मतलब इसका इफेक्ट कुछ अपने को ऐसा दिखेगा ये वाला, ये या फिर ऐसा इफेक्ट अपने को दिखेगा कुछ। ठीक है, अभी शेप में से क्या बनाते हैं ये थोड़ा सोचते हैं क्या करें। ये वाला मुझे पसंद आया, और सबसे पहले मेरे को यही अच्छा लगा था, बट ढूंढते ढूंढते मुझे और एक ये रेफरेंस मिला था और ये भी मिला था। अपने पास अभी कोई बजट तो अच्छा खासा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये बनेगा, ये बना सकते हैं हम लोग, और ये मैं उल्टा बनाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये आपको ऐसा यू दिख रहा है ना, सॉरी हाँ ये टाइप में दिख रहा है, हम लोग उसको उल्टा करेंगे, यू बना देंगे। ठीक है, शेप ऐसा ही रहेगा कुछ, और उसको उल्टा करेंगे, और ऊपर सीलिंग में मिरर या फिर जो मैं मटेरियल दिखा रहा है ये, आई होप आपको ये मटेरियल मालूम है, ये मालूम है किसको, नया मटेरियल है सब। नो क्या है, ये मेटल का शीट आता है, ये एक मेटल का शीट आता है, आप चाहे तो वाटर रिपल करके ऐसा सर्च मारो, क्यों नहीं देखते वाटर, ये वाटर रिपल शीट ऐसे भी बोलोगे, स्टेनलेस स्टील शीट बोलोगे, ये मिलेगा आपको, ये कुछ ऐसा शीट मिलता है, शीट आता है। इसमें तीन टाइप का शीट आता है, ये जो नॉइज दिख रहा है ना, ये बबल बबल जैसा दिख रहा है, पूरा ग्लॉसी रहता है, मिरर टाइप रहता है ये, हाँ ये कॉस्टली रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, ये वाला मटेरियल यूज करेंगे या फिर नॉर्मल मिरर, डिपेंड्स। ठीक है, बनाना चालू करते हैं बराबर, ये अपने पास इतना एरिया है, ओके यहाँ से लेके मैं ये इसको पूरा आइसोलेट मारता हूँ, सॉरी ये वाला वॉल मुझे लेना चाहिए, ओके बोल डाट आउट है ना। ओके मैं इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया, और वो शेप बना लेंगे। अभी मेरे पास तो रेफरेंस खाली इमेज है, मेरे पास ऑटोकैड का कुछ ड्राइंग विंग कुछ नहीं है बराबर, तो मैं अभी क्या करूँ, ये शेप ऐसा कुछ बनाऊंगा यहाँ से ऐसा, ओके समझा। हम लोग अरे वो ऑनलाइन आ रहा है ना। ठीक है, स्नैप ऑन, पहले मैं बॉक्स बना लेते, चलो बॉक्स। ठीक है, अपने को यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट ऐड करने हैं, इस शेप कुछ स्पेस छोड़ के फिर ऐसा बनने वाला, इसके लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स डिफाइन। ठीक है, डिफाइन से अपने पास दो वर्टेक्स ऐड होंगे, यहाँ पे एक चाहिए यहाँ पे एक चाहिए, ओके और दो बीच में लगेंगे या फिर एक लगेगा, मुझे एक लगेगा। ठीक है, मैं एक और एक ऐड करता हूँ यहाँ पे, ओके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए बराबर। अभी मैंने तो विजुअली सेट किया, मुझे लगता है कि ये डिस्टेंस मैं पकड़ता हूँ कि ये मेरा फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अपने को एडिट करना पड़ेगा, स्नैप ऑन है ये वाला वर्टेक्स पकड़ के इसको यहाँ पे लेके आओ, ओके लॉक कर दें यार इसको, स्पेस बार लॉक, और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मूव,
टूवर्ड्स बैकवर्ड्स, पहले उसको फॉरवर्ड कर दिया, फिर वापस मुझे मैंने इसको बैकवर्ड ले गया। क्यों किया? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये उसने बराबर काउंट कर दिया। पहले इसको 0-0 लेवल दिया, आगे लिया, मतलब क्या 0 लेवल लिया, ये पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए। मैं गिनते नहीं बेटा कितना फिट रहेगा, कितना एमएम रहेगा, मैं डायरेक्टली विजुअली वो जो है मैं कर दिया। अभी ये पॉइंट जो है इसको हम लोग को डाउनवर्ड लेके आना है, ऐसा कुछ। मैं नीचे स्टोरेज नहीं बनाऊंगा, बहुत जन क्या करते हैं नीचे स्टोरेज बनाते हैं, अंदर फ्रिज वगैरह रखते हैं, मतलब चिलर के लिए कुछ स्पेस छोड़ने का है, जैसे बियर बॉटल हो गया, आइस वगैरह रखने के लिए स्पेसिफिक वो जगह रखते हैं, करते हैं भोजन, ऐसा ऐसा डिजाइन होता है। पर मैं ये नहीं, इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे करूंगा, जो बार काउंटर है ना सामने वाला वहां पे मैं स्टोरेज करूँगा, क्योंकि ये एरिया मुझे अच्छे खासा स्पेस मिलेगा जो डिस्प्ले करने के लिए, एक और अपना लुक एंड फील अच्छा लगेगा, थोड़ा लग्जरी टाइप दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे मुझे करना है कन्वर्ट टू सॉरी बेजियर कॉर्नर, ठीक है। क्यों किया बेजियर कॉर्नर? यहाँ पे अपने को कर्व शेप बनाने का, बेजियर कॉर्नर, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा शेप बना के लेंगे एक बार। क्रिकेट दिख रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन अपने को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग को रखेंगे यहाँ पे इंटरपोलेशन एडेप्टिव, ठीक है, ये शेप ऐसा बना दिया मैंने। चाहिए तो आप ऐसा करो, ये वाला बना लो, बाकी का मिरर करो, दोनों में से आपको जो भी प्रिफरेबल है वो ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि ये शेप और वो शेप थोड़ा 19-20 ना लगे। ओके इतना समझा। चाहे तो मैं इसको बेजियर कॉर्नर की जगह स्मूथ करता हूं, स्मूथ और इस तरह से ऐसा बना के। ओके बन गया, बन गया। और कुछ बेचारे अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी हल्की सी है, चाहे तो मैं इसको सुधार सकता हूँ, ऐसे बेजियर कॉर्नर करके फिर थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसा, ठीक है, अभी बराबर है। ओके अभी इसको करेंगे एक्सट्रूड, बट अभी कुछ रेफरेंस इसमें से ऐसा था, ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला शेप और वो ये वाला शेप मिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा टर्न हो रहा है यहाँ पे, बराबर। इसमें टर्न नहीं है, ये शेप ही अलग है, ये ऐसा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर का मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट, और उसमें से ये शेप काटा है अंदर, समझे, और इसके अंदर उसने स्टोरेज किया। मैं क्या करूंगा अभी इसको पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं, पहले डेप्थ दे देते उसको, कितना डेप्थ देने का अपने को, और प्लान में एक्सट्रूड में से बाहर आते इसको प्लान में यहाँ पे डेप्थ देना पड़ेगा, चलो ये पॉइंट लिख लो, ये यहाँ तक दिखाया है बराबर ना, प्लान में तो इतना दिखाया हम लोगों, बट मैं ये थोड़ा रेड्यूस करके साइड में भी थोड़ा रेड्यूस करके यहाँ पे कर्व बना दूंगा। आज तो प्रॉपर है, ओके ये वाला पॉइंट्स जो लास्ट में वर्टेक्स बना था मेरा,
ये वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा हल्का सा इतना कम कर दूंगा, सेम पोर्शन में जब भी करूंगा। अभी सेम फंडा स्पेस बार से लॉक कर दिया, ये वाला वर्टेक्स मैंने ये वाले पॉइंट तक लेके आया, अभी ये थोड़ा सा रेडियस हो गया। ना मैंने किया था यहाँ पे रेडियस, सेम वहाँ पे भी रेडियस हो गया एक्सट्रूड। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बना देंगे इसे और उसको एक्सट्रूड मारेंगे। पीस में बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ, पूरा भी बना सकते प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा एडिटिंग के लिए भी थोड़ा अच्छा खासा स्पेस मिलना चाहिए या कंफर्ट लेवल दिखना चाहिए, इसके लिए ये वाला एरिया अच्छा है, ये मेथड अच्छा है। डिफॉल्ट लेयर में ही बना रहा हूँ मैं, हाँ डिफॉल्ट लेयर में ही है। एक यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे, शिफ्ट ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ का पॉइंट और यहाँ का, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स में गया मैं और अपने पास फिलेट नाम का एक ऑप्शन है, बराबर फिलेट, ये पॉइंट को मैं कर दिया फिलेट और इसको मैं करूँगा एक्सट्रूड। इन दोनों को पकड़ा, सिलेक्ट जो मैंने शेप बनाया था वो, अल्ट क्यू आइसोलेट, मैं इसको करूँगा एक्सट्रूड और ये वाला पोर्शन मैंने कर दिया एक्सट्रूड। खराब है पॉइंट, कम ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, इसको कॉपी डायरेक्टली मिरर कॉपी, रेफरेंस सेम है, डिस्टेंस रहेगा, ओके अलाइनमेंट ये सेंटर ऑब्जेक्ट के बराबर सेंटर में है और मिरर ये अपना पोर्शन मिरर, मिरर कर दिया। कौन से डायरेक्शन में मिरर चाहिए मुझे, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन दे दिया। कुछ कॉपी नहीं बनाना है, कुछ इंस्टेंस नहीं बनाना है, ओके ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लॉक। ओके इसका एक बार 3D देख लेते हैं क्या बना है। ये पूरा मार्बल में बनेगा, इसके अंदर शेल्फ बनेंगे, ऊपर की तरफ मिले भी वही बना। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉर्डर दूंगा, कुछ मेटल का शीट या प्लाई लगेगा क्योंकि मार्बल है तो डायरेक्टली शेल्फ नहीं लगेगा, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्लोन एज अ कॉपी, ओके। देन एक्सट्रूड का जरूरत फिलहाल मुझे नहीं है, एक्सट्रूड में डिलीट मार रहा हूँ। देन सेगमेंट में चला गया मैं, चाहे तो आप वायर में देखो क्या है, सेगमेंट में चला गया। अपने को खाली इतना ही पोर्शन चाहिए, मैं ये शेप बार बार बनाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास शेप पड़ा है, इसीलिए मैं क्या किया उसका एक कॉपी बना के रखा, क्लोन से कॉपी किया, क्लोन से कॉपी मतलब ओवरलैपिंग कॉपी हो गया, फिर एक्सट्रूड का जरूरत नहीं था मुझे, बाद में देख लेंगे क्या करने का है। एक्सट्रूड डिलीट मारा, सेगमेंट में आया मैं, अपने को ये वाला सेगमेंट नहीं चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए, सिलेक्ट एंड डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट ये भी नहीं चाहिए, डिलीट ये वाला छोटा वाला लाइन वो भी नहीं चाहिए, डिलीट ये वाला लाइन भी नहीं चाहिए, डिलीट। ओके शेप बना मेरे पास बड़ा है, इतना शेप मेरे पास है, ओके। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगा स्वीप मॉडिफाई, थिकनेस देने का, ओके इसीलिए मैंने क्या किया स्वीप मॉडिफाई दिया बार। अभी मैं बार बार, हमेशा आप देखोगे तो मैं स्वीप का ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करने के लिए ईजी जाता है। बहुत जन क्या करते हैं, स्वीप की जगह ये यूज ना करके स्प्लाइन में जाते हैं, स्प्लाइन सिलेक्ट करते हैं, इसका ऑफसेट लाइन बनाते हैं। ऑफसेट लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आउटलाइन, इसमें एक ऑप्शन होता है आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है ऑफसेट, आपके ऑटोकैड में ऑफसेट जो है वो, ये देखो ये लाइन में क्रिएट करूंगा तो ये ऑफसेट की करता है, तो उससे उन लोग थिकनेस देते। बट स्वीप यूज करने से क्या होगा, मुझे तो उसका डेप्थ भी मिलेगा और थिकनेस भी मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, बार वाला एरिया मतलब स्क्वायर वाला एरिया यूज कर रहा हूँ। देन इसका सेटिंग क्या रहेगा नीचे वो हम लोग देख लेंगे अभी क्या है। पहले इसकी अलाइनमेंट चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे एक बार चेक करते क्रॉस चेक कि ये बराबर आधा
जो मैंने शेप बनाया था उसके अंदर फंस गया, आधा उसके बाहर गया, तो हम लोग को ये पॉइंट से थ्रू बाहर निकाला मैंने, ये पॉइंट दे दिया बराबर, ये जो मैंने लाइन बनाई थी उसके बराबर बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है मतलब, ओके राइट, ऐसा ही था ना अपना, ये मतलब ये वाली अलाइनमेंट मेरी बराबर है, ठीक है। अभी इसकी पोजीशन देना पड़ेगा और इसका डेप्थ चेक कर लेते कि क्या कर रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, अपडेट लॉक, इसको मैं यहाँ पे लेके आया और इसका जो डेप्थनेस है वो कम कर लेते हैं। ओके कितना समझा सबको। अभी इसका थिकनेस फिलहाल मैंने कम रखा है, कुछ 6 mm ही है, आप चाहे तो 18 mm 12 mm का प्लाई भी डाल सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर क्या करने का है, होता है प्लाई डिपेंड होता है, आजकल प्लाई ऐसे आ रहे हैं, काट काट के लगाएंगे वो बाद में फिनिशिंग करेंगे, कर लेते बराबर, कारपेंटर को मालूम रहता है क्या करने का। देन इसके अंदर स्वीप में भी अपने को इंटरपोलेशन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या डाउट है किसी, नहीं ना, ओके। अभी इसका डिवाइडेशन करेंगे, कैसा डिवाइडेशन होना चाहिए आपको, अगर ये वाला डिवाइडेशन ऐसा कुछ चाहिए, ये बॉक्स फिर ये लाइक दैट ब्रिक, या फिर ये भी वैसा ही पैटर्न है, सेम पैटर्न खाली नॉर्मल शेल्फ 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 ऐसा चाहिए, डिपेंड आपके ऊपर आपको क्या बनाना है। फिलहाल मैं ऐसा नॉर्मल शेप बना लेता हूँ जो नॉर्मल है, अगेन स्वीप मॉडिफाई, डेप्थ तो मेरे को मिल गया कितना है, इसका थिकनेस हम लोग को देना पड़ेगा, प्लाई सेम प्लाई यूज करूँ 12 mm या 18 mm का यूज, बॉटल रखने वाले ना, 18 mm का प्लाई और इसका डेप्थ, अभी टॉप में इसका डेप्थ देखते बराबर नहीं है अभी, मतलब तो उसको हमने को एडजस्ट करना पड़ेगा, अंदर वाला शेप जो था ये बनाया हुआ उसको मैं सिलेक्ट कर दिया, ये अमाउंट में कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक इसके ऊपर पहले डबल क्लिक करो, ब्लू इंडिकेट होगा बराबर, राइट क्लिक कॉपी, कॉपी कर दिया, ये वाला मेरा एरिया है बराबर, यहाँ पे मुझे डबल क्लिक ब्लू हो गया, पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी जस ते करू शकतो, पण कधी कधी नाही घेत कारण ते विंडोजची शॉर्टकट की आहे, मॅक्सची नाही आहे, म्हणून म्हणून ते डबल क्लिक करून कॉपी करायचं आणि तिकडे जाऊन सरळ पेस्ट करायचं, 100% व्हायला पाहिजे, ओके। ये वाला पोर्शन नीचे रहेगा, इतना ऊपर तो नहीं रहेगा, कितना डिस्टेंस रखूं, अगर आपको 12 डिजाइन करना है तो ये शेल्फ के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बॉटल के डिपर कितना रहता है, बॉटल बॉटल जो वाइन बॉटल आती है उसका हाइट कितना रहता है, एक 1 फीट, बॉटल वाइन बॉटल बियर बॉटल सेम रहते हैं, हाँ ये तो बट 1 फीट मुझे लगता है कि नॉर्मल वाइन बॉटल का थिकनेस तो रहता ही, ठीक है, 1 फीट का हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे कि यहाँ से, अब वो अभी ब्रांड भी बता रहे मुझे कौन सा ब्रांड का है, ठीक है, ये मैंने ऊपर ले लिया और उसको ये वाला ऑप्शन में ऑन करता हूँ, ये और वाई डायरेक्शन में मुझे डालना है कितना, 1 फीट बराबर, 300 माइनस ऊपर जगह मैंने 1 फीट छोड़ दिया, नॉर्मल वो रहता है 11 इंच का बॉटल, तो
सिको कॉपी करेंगे। सिलेट स्प्लाइन ये ऑप्शन मैं ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे थिकनेस की और उनके बीच के डिस्टेंस देखना है, इसके लिए मैं ये ऑप्शन ऑन करता हूँ। इफेक्ट वाला शिफ्ट से मैं कॉपी करता हूँ। अगेन इसको ये रेफरेंस पॉइंट मैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ -300, तो उतना डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अभी अपने पास और स्पेस भी है तो हम लोग और शेल बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी ओके। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा रखते हैं हम लोग, 11 इंच का बॉटल 1 फिट तो एकदम टॉप टू टॉप कट टू कट लगेगा ऐसा, कट टू कट उठाने में पटक से ऊपर लग सकता है, बॉटल ब्रेक हो सकता है, ये सब ऐसा इश्यू है। तो हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग बड़ा रखते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं, समझो ये 12 इंच का रहता तो हम लोग 14 इंच, 13-14 इंच वो तो से निकालते हैं, बट कभी कभी फटक से निकालते हो। हाँ सोलह के भी डालते हैं, पर उसका डेप्थ अपने को ज्यादा नहीं मिल रहा है ना, स्टोरेज बना रहे हो तो उसका डेप्थ भी उतना होना चाहिए। चिलर में डालते हैं वैसा बोल रहा हूँ, उतना अपने पास स्पेस भी नहीं है। तो मैं 14 इंच पकड़ के चलता हूँ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसी का कॉपी बना के 14 इंच कर लेता हूँ कि मुझे देखना है कि बराबर डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं राइट हूँ कि नहीं। -14 इंच करके देखते हैं एक बार, जिस हल्का सा बढ़ रहा है। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि बराबर है, जो हम लोग डिसीजन लिया वो बराबर है। ये ऊपर वाला डिलीट, ठीक है, सिलेक्ट दिस वन, स्पेस बार से लॉक कर दिया, ये पॉइंट पकड़ा, शिफ्ट, सब 14-14 इंच कट टू कट हो रहा है ना, वो 1 ही इंच बच रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा स्पेस अच्छा रहेगा तो भी। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, नीचे छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ रखने होंगे नहीं, वो ऐसा ही रहेगा खुला। अभी क्या करेंगे, वर्टेक्स में जाके इसको एडिट करना है अपने, लॉक अनलॉक वर्टेक्स, ये पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे इधर ऐसा, ये विजुअली करो आप, तो मैं ऐसे ये ऐसा हो सकता है, पर आपको थोड़ा मगज मारी करना है। क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस बड़ा करना पड़ेगा, ये जो एरिया ना, ये जो शेप बना है ना, ये शेप बना है ना, ये शेप को सॉलिड में बना के इसको बुलिन करना पड़ेगा। सॉरी है दोगन मध्ये ना, मैंने नहीं ना ये प्लायला मी ते मैच करून टाकले ना, क्या दिसत हाँ नाही टच कर दिया ना मैंने, गैप कब दिखेगा, अब आप ऐसा रखते हो तो गैप दिखेगा। नीचे वाला अगर हाँ ये हम लोग ने थिकनेस, ये थिकनेस दिया है बराबर है, और ये वाला मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ ना, ऊपर हाँ ऐसा टच कर रहा हूँ ना, वाला देखो, ऊपर वाला देखो सर, ऊपर किया ना, वाला देखो, चाहे तो आप थोड़ा सा अभी ये सब कट टू कट नहीं रखेंगे, थोड़ा अंदर रखेंगे तो चलेगा, उतना ओवरलैपिंग चल जाता है। एकदम बाहर नहीं ना, हाँ ठीक है वो आपको नहीं दिखने वाला है, बट तो सर ऐसा फिर कर अंदर भी जाके बाहर भी बोतल रख सकते भी हाँ सर कंटिन्यू वो तेरे, वो तेरे डिजाइन होगी ना, मेरे डिजाइन ऐसा नहीं है ना, साइड में कर कैसे बाहर उसी को बंद सिक्स एक्स सिक्स एक्स बना सकते ओके okay, ये सब ऐसा शेप बना के लेंगे।
ओके बन गया। ठीक है, ये वाला चाहे तो कलर आपको सेम दिख रहा होगा तो मैं इससे मैच करता हूँ। नहीं, ये जो पिंक जैसा दिख रहा है ना वही कर लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसके पीछे हम लोग डालेंगे वो हाइलाइटिंग के लिए, नहीं ओनेक्स का यूज करेंगे या फिर मार्बल ही लगाएंगे, और इन सब के बीच में जैसे नीचे लाइट देंगे, लाइट जैसे कि रेफरेंस में लाइट दिखाया है, ये वो नेक्स्ट डाला इसमें, उसको हाईलाइट किया मार्बल इसे, लाइट है ना, बैकलाइट किया उसको, ये ऐसा लाइट। ऐसे दो यार। ऑप्शन है अपने पास, देखेंगे डिपेंड, तभी मटेरियल डालेंगे तब इफेक्ट के टाइम पे क्या करने का, बट इसका पहले पीछे का अपने को एक जो एरिया है, ये जो जो मटेरियल लगने वाला है, ये वाला मटेरियल, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सेम प्लाई यूज करेंगे सेम, या फिर ओनिक्स यूज करेंगे, डिपेंड। सेम इसी का कॉपी, क्लोन कॉपी, ओवरलैपिंग कॉपी। ठीक है, क्योंकि सेम पोजीशन पे ही बनाना है मुझे, तो मैं अलग से कॉपी नहीं बनाऊंगा, इसको साइड में ले लूंगा। ठीक, स्वीप, देन स्वीप का जरूरत नहीं है, डिलीट मार दिया। अभी क्या करना है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को अपने को ज्वाइन करना है। दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए अपने पास ऑप्शन होता है कनेक्ट, कनेक्ट ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कनेक्ट, देन डालेंगे एक्सट्रूड। अभी पीछे का जो एरिया है वो नॉर्मल हम लोग कम थिकनेस वाला रखेंगे, 12 mm या फिर से कम रखना है तो उससे कम रखो, डिपेंड। राइट, बन गया। अभी बीच में आप अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप वर्टिकल डालोगे, ओके। स्प्लाइन में ये वाला इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, वर्टिकल कॉपी, ये पॉइंट, ये आप कितना भी डिस्टेंस रखो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है इसका। तो क्या बोला? जैसे फ्रिज जैसा रख सकते हो, ये डिजाइन है, ये ऐसा कोई फिक्स इसमें स्टैंडर्डाइज फॉलो नहीं करना आपने, ये अपने हाथ वाला काम। ये सेटिंग जो होता है ना, ये हमेशा ऑन रखना है। ये मैंने कहाँ से लिया, स्नैप के ऊपर राइट क्लिक कर दिया, फिर आपको जाना है ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन आपके हमेशा, मैक स्टार्ट कर दिया, ये तीन ऑप्शन ऑन करना है। यहाँ पे आपको कौन सा एंगल में रोटेशन चाहिए वो डालना है, स्नैप में जाके आपको कौन से स्नैप का यूज होने वाला है, वर्टेक्स तो आपका 100% रहता है हमेशा। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रख रहा हूँ, और ये वाला वर्टेक्स एडिट कर लेते हैं, स्प्लाइन देन बैकवर्ड लक्ष्य की तरफ। एक मैंने यहाँ पे गलती की, कौन बताएगा? ऊपर वो गाइड कम हो गया, नीचे गाइड छोटा बड़ा हो गया, जाने दो। छोटा इतना ऊपर जाता कोई बटन लगता नहीं, क्योंकि फटाक से निकालने के लिए आसान रहता है। बटन ना होटल नहीं वो नहीं आता, इसको मैं थोड़ा एडिट करूंगा ना अभी, इसको ये सेंटर पे लूंगा ऐसा, इसको ये सेंटर पे लूंगा। वाला ओके, इसी को हम लोग डायरेक्टली कॉपी कर देंगे अभी फिलहाल।
सेलेक्ट ऑल, और से ये जो है ना ये वाली लाइंस वर्टिकल लाइन से अपने को, हॉरिजॉन्टल को मैंने डिसलेक्ट कर दिया, शिफ्ट से कॉपी। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। देन कंट्रोल, ये वर्टेक्स मैंने यहाँ पे मैच कर दिया, ये वर्टेक्स इधर मैच कर दिया, पर के तो मैं यहाँ पे लूंगा, नीचे कुछ नहीं रखूंगा, नीचे क्लोज, ठीक है। सेगमेंट्स, ये सेगमेंट से लेके यहाँ पे ये कॉपी कर दिया, ओके बन गया। रखेगा तू बॉटल भी नहीं रख पाएगा उधर, मालूम। ओके बन गया राइट। हाँ बाबू ऐसा चेंज करो, ब्राउन ब्राउन, इसका कलर क्या लेंगे, ये वाला लू। ओके ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा अपना बार वाला एरिया, आइसोलेट ऑफ, मैंने इतना बना दिया। अभी बार का हम लोग का एरिया टोटली कवर हो गया, ऊपर सीलिंग क्या होने वाला है अभी वो कोई सोचा नहीं, ठीक है बाद में। अभी यहाँ पे बना हुआ किधर हुआ, लास्ट एग्जाम में बना हुआ सेव किया, ओके। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या देखेंगे हम लोग, फ्लोरिन डाल के लेते, फ्लोरिन डालना भी अपना बाकी है। क्या करता हूँ टेम्पररी में जो नीचे का प्लान है ना वो हाइड कर लेता हूँ, यहाँ से हम लोग उसको हाइड कर दिया, जितना वॉल है उतना मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, ये डोर हम लोग कुछ सोचा नहीं क्या डोर है, ये भी डोर है, यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज है, किचन एंट्री यहाँ से ना। यहाँ पे स्टोरेज है, ये स्टोरेज है क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, हाँ, और यहाँ से इसका एंट्री है, किचन में जाने के लिए एंट्री यहाँ से है डायरेक्टली, ओके। तो ये स्टोरेज हम लोग का डिजाइन थोड़ा सोचते हैं उसके बाद, फिलहाल मैं फ्लोरिंग दिखा था आपको डाल के कैसे फ्लोरिंग। बाद में ये प्लेट्स वगैरह जो स्टोरेज है, ये सब ये स्टोरेज है, मैं बोलता हूँ कर सकता है, तेरे को चाहिए तो तू कर सकता है, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो सब चीजें है। ओके फ्लोरिंग देखो कैसे बना रहा हूँ, ओ बाबू सूरज लाइन से डायरेक्टली ये शेप बना के लेंगे, जो आउटर इनर लाइन जो दिखता है ना अपने को, ये इनर सब ये बना के लेंगे, ये कॉलम जो है इसको इंक्लूड कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये पॉइंट शिफ्ट प्रेस करके रखना हमेशा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये स्टोरेज है फिर भी हम लोग इसके नीचे क्योंकि दिखाना पड़ेगा फ्लोरिंग रहती है, ये वाला पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट दिया, यहाँ पे डोर है बराबर ना, तो डोर वाला एरिया बना लेंगे। करता डोर के नीचे थोड़ा फ्लोरिंग देखेगा ना, ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ पे देखते क्या है, करते हैं ना उसको, थोड़ा एडिटिंग भी करना पड़ेगा कि प्रॉपर मैच हुआ है नहीं हुआ है,
जस्ट एक आउटर लाइन बना के ले रहा हूँ। यस ओके ओके इसका एक बार वायर फ्रेम में, ये वायर में एक बार इसका देख लेते क्या है, बराबर बना है कि नहीं बना। वर्टेक्स ठीक है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, ये हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी बराबर है, यहाँ पे इधर स्टोरेज आने वाला है, कोई वादा नहीं, यहाँ पे डोर है ठीक है, ये यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ठीक है, ये थोड़ा बाहर आ गया, ये हम लोग इसको कवर करेंगे बराबर, देन यहाँ पे गड़बड़ हो ठीक है, ये वाला पोर्शन अपना ऐसा होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए था, और यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड करने की ज़रूरत है, रिफाइन वर्टेक्स वर्टेक्स और एक वर्टेक्स जो यहाँ पे रहेगा, और ये वाला एरिया है वो यहाँ पे रहेगा बराबर, ये बाकी सब तो बराबर है, यहाँ पे हम लोग को कॉर्नर करना पड़ेगा, कॉर्नर मैच है, यहाँ पे भी मैच है सब कुछ, यहाँ पे भी कुछ गलती नहीं है, यहाँ पे एक डोर दिख रहा है, डोर है यहाँ पे, दो डोर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नहीं बेडरूम बेडरूम का एंट्री रहेगा कुछ, रिफाइन यहाँ पे वर्टेक्स होना चाहिए, यहाँ पे वर्टेक्स होना चाहिए, दो अंदर की तरफ होने चाहिए क्योंकि ये ऐसा भी बनेगा ऐसा, और ये यहाँ पे मतलब यहाँ से ऐसा आया घुमा फिर ऐसा आया कि ऐसा ऐसा होगा ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे, दो वर्टेक्स यहाँ पे होने चाहिए, अंदर की तरफ दो वर्टेक्स होने चाहिए, ये वर्टेक्स की पोजिशन रहेगी यहाँ पे, ये वर्टेक्स की पोजिशन रहेगी यहाँ पे बराबर, मतलब यहाँ से ऐसा आया घूमा अंदर की तरफ गया स्ट्रेट वापस बाहर गया कंटिन्यू ओके, देन यहाँ पे एक वर्टेक्स की जरूरत है, और अंदर की तरफ ओके, ये यहाँ पे रहना चाहिए और ये रहेगा इधर ठीक है, ये हो गया, ये मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इधर कुछ तो लोचा हो रहा है, डिफाइन और एक वर्टेक्स और एक वर्टेक्स, ये रहेगा इधर, ये रहेगा अंदर के साइड, सब मैच कर लो ओके, सब बराबर है, अभी टॉप में से मेरा सब कुछ क्लियर है बराबर, फ्रंट में चेक करते हैं कि ये जो लाइन बनाई थी मैंने ये एक ही लाइन में है क्या, या कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे ऐसा होता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे वर्टेक्स पकड़ के एक लेवल में सब लेके आएंगे ठीक है, मेरा तो बराबर है, अभी यहाँ पे हम लोग नीचे का क्या सोचेंगे, खाली फ्लोरिंग सोचेंगे बस, और कुछ नहीं, कॉन्क्रीट है कि उसका लेयर क्या क्या क्या, क्या बोले, हम लोग खाली डायरेक्टली मार्बल लगाने वाले, मार्बल के ऊपर जो भी रहेगा वो सब कुछ ठीक है, मार्बल का थिकनेस में पकड़ता हूँ कितना, नॉर्मल नॉर्मल थिकनेस, क्योंकि अंदर क्या हो गया वो मालूम नहीं, कॉन्क्रीट में फंस गया फंस गया ठीक है, 12 mm का मैंने थिकनेस उसको दे दिया ओके, फ्लोरिंग आ गया, इसके ऊपर जो भी मटेरियल लगने वाला है वो मटेरियल का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, आगे के टॉपिक्स आपके जैसे चालू हो गए वैसा, इसका मटेरियल इसका फिनिशिंग क्या है, कितना ग्लॉसी हाई ग्लॉसी मैट ग्लॉसी फिनिशिंग जो भी रहेगा वो, देन यहाँ पे क्या मटेरियल है वो देखेंगे, ये भी मार्बल का बनने वाला है या कोरियन में बनाने वाले है वो भी देख लेंगे, विंडो का ग्लास वो भी देख लेंगे, उसमें जो फ्रेम बनी थी उसका क्या मटेरियल है, कोटिंग कैसा है, कौन से कलर का है, वो सब हम लोग आगे जैसा मटेरियल टॉपिक चालू होगा वो टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे ठीक है, क्या समझा सब, अभी ये जो फाइल में से ये वाला गायब हो गया है वो देख लेंगे क्या है, ढूंढता हूँ नहीं तो फिर देखते हैं क्या है, और ये जो इसका है ना इसका डिजाइन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, डोर्स फिलहाल ये एलिवेशन क्या है, ए वाला एलिवेशन क्या है मुझे मालूम है क्योंकि
जिसने बनाया था उसने आधा अधूरा दिया। पैसेज में क्या है, डोर कैसे रहने वाले, हिडन डोर बनने वाला है, पैनल डोर बनने वाला है। यहाँ पे फिर एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट का ब्लॉक करेंगे। चाहे तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डोर डाल के हम लोग खत्म करते इसको। ये जो पार्ट है ना प्लान में एक बार देख लेते हैं। एक मिनट लगेगा। ये प्लान में से ये ना ये यहाँ पे पैक कर लेंगे, मैं सोच रहा हूँ। ये क्योंकि क्या हो रहा है कि ये इसका डिजाइन के बारे में कुछ सोचा नहीं, ये भी सोचा नहीं मैंने अभी कि मुझे मिला डिजाइन ये वाला पोर्शन और टीवी यूनिट वाला पोर्शन, बाकी कुछ मिला था नहीं। राइट, तो अभी टीवी यूनिट हम लोग यहाँ पे वो लेके आएंगे, वो होता है फाइल में से। बाहर तो एरिया मेरा बन गया। यहाँ पे उसने कुछ बनाया था क्या याद है? इनकम्प्लीट डिजाइन है थोड़ा सा। ये कौन कंप्लीट करेगा डिजाइनिंग इसका, उनमें से कौन आदित्य अच्छा डिजाइन करेगा? देखते भाई हैं। आपको यार कितना है ना लगा ना अगर हाँ, तो अगर तू कोई भी रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खत्म करो, ये जो ये पोर्शन है ना ये सब करना अगर है, पैसेज करना है। और ये तो अपना ये बन गए, सर ये ऑटोकैड तो लेयर बनी है। हाँ, ऑटोकैड का ड्राइंग, ऑटोकैड का ड्राइंग है। ये तो हम लोग का रेडी है, इसके बारे में तू मत सोच। मुझे क्या करने का है, पैसेज वाला एरिया बनाने का है। और ये इधर का अगर तू सोच रहा होगा तो मैं तो इसको पैक करके कि हम लोग खत्म करेंगे। और ये वाला इधर स्टोरेज, क्या स्टोरेज, और ये बाजू वाला इधर, मतलब तेरा तेरे को ये पूरा सोचने का। चाहे तो मैं भी टाइम मिला तो मैं भी ढूंढता हूँ, जैसे ये मैंने ढूंढा ये। और जो हम लोग ने ये एग्जीक्यूट किया था ना, इसकी पोजीशन यहाँ पे है ही नहीं, ये पोजीशन इधर है, उल्टा कर दिया। यहाँ पे बार एरिया बना दिया था और यहाँ से लेके इधर कुछ तो मंदिर बनाया था, ये खत्म करके इसको मंदिर में कन्वर्ट किया था। सिविल चेंजेस किया थे थोड़े से, उसको यहाँ पे मंदिर बनाया। और डाइनिंग का एरिया इधर कुछ गया, गेस्ट बेडरूम हटा के इधर कुछ तो डाइनिंग एरिया था, ऐसा बहुत चेंजेस हुए थे। जो फाइनलाइज एग्जीक्यूशन जो है ना वो, और जो मैंने बताया था 3D मार्केट जो बनाया था, ये प्लान में और प्लान में डिफरेंस ज्यादा है। खाली इधर का एरिया नहीं, ये वाला एरिया और ये पैसेज वाला एरिया, ये कॉमन है और शायद बेडरूम भी। तो हम लोग थोड़ा और सोचेंगे क्या करेंगे, ठीक है? बाकी का तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहा हूँ कवर करूँ। इसको मैं याद रखना, ये फाइल अपना लिविंग रूम लेक्चर, इसको मैं सेव एज करता हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में